हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे एडमिट कार्ड जाकर के अपने अपने ले आए हैं कॉलेज से, तो अभी भी आपके पास कल का समय और है, आप चाहें तो कल भी जाकर के ला सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं लाए, ठीक है। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मैम ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा सकते हैं जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में करवाया था, तो उनका जवाब है ना, आपको एडमिट कार्ड जो लाना है वो आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगा, कॉलेज से ही लेकर के आना है। पेपर तीन तो आप लोगों के कॉमन है, जिनका कोड आपको क्या है 101 102 103, ये कॉमन मतलब सबको देना है, ठीक है। पेपर फोर भी सबको देना है, लेकिन कुछ बच्चों को पेपर फोर में जिनका इंक्लूसिव लिया है जिन्होंने, उनके में यहाँ पे इंक्लूसिव लिख के आएगा और उनका कोड 104 रहेगा। पेपर कोड जरूर याद रखिएगा, आपको भरवाया जाएगा वहाँ पे, मतलब आप एडमिट कार्ड रहेगा ही, एडमिट कार्ड में ये ऐसे प्रिंट होगा, आप आराम से देख सकते हैं, इतना कोई रट के नहीं जाना है इसको आपको, मतलब एक आपको दिमाग में रहे इस वजह से मैं बता रही हूँ। उसके बाद में जिन बच्चों का आपका होगा वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, उनके में पेपर में यहाँ पे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लिखा होगा। जिनके बच्चों जो बच्चे जेंडर लिए होंगे उनके में यहाँ पर जेंडर लिखा होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4 तारीख को लगातार पेपर है 9 से 10:30 बजे। पहले दिन की रिपोर्टिंग टाइम आपको पहले दिन आधा घंटा पहले पहुँच जाना है सेंटर पर, तो यानी कि आप अपने घर से जितनी दूरी पर हो सेंटर उसके इस हिसाब से निकलें कि आप आधा घंटा पहले अपने सेंटर पर खड़े हों, मतलब समझ रहे हो ना। अभी पता 10 जैसे 9 बजे से पेपर शुरू होना है, तो 8:30 बजे आप अपने सेंटर पे खड़े हो बाहर, ठीक है। इस हिसाब से आपको अपने घर से निकलना है, ठीक। नेक्स्ट चीज़ देख लो, जो आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनमें हमने आपको पहले भी कुछ चीज़ें बता दी। सबसे पहले तो आपको कोविड की वजह से अपना मास्क और सैनिटाइज़र पानी की बोतल ये ले करके जाना है, और उसके बाद में जो आपकी चीज़ें होती है ना, देखो यहाँ पे बहुत ब्लर ब्लर सा दिखेगा, मैं आपको ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों के रूप में बता देती हूँ कि पहले दिन आपको आधे घंटे पूर्व जाना होगा। उसके बाद में आपकी एक निश्चित सीट होगी ना, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी सीट होगी, उस सीट का जो परफॉर्मा होता है वो आपको कॉलेज में, मतलब जहाँ पे सेंटर गया है आपका वहाँ बताया जाएगा, वहाँ पे लिखा भी होता है, तो आप वहाँ से मैच करके ही बैठिएगा, किसी और की सीट पे नहीं बैठिएगा। उसके बाद में आपके सामने एक बीच में एक शीट आएगी जिस पर आपको सिग्नेचर वगैरह करने होंगे, है ना। और उसके बाद में जब भी आप अपने कॉलेज में अपना एग्ज़ाम हॉल छोड़िएगा तो पहले अपनी जो आंसर कॉपी है यानी ओएमआर शीट है वो टीचर को सबमिट करिएगा, उसके बाद ही निकलिएगा। आप अपनी ओएमआर शीट पर कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं करेंगे, कोई स्पेशल चिन्ह नहीं बनाएंगे, ठीक है। और वाइटनर का खासकर याद रखिएगा, कोई बच्चा वाइटनर का प्रयोग नहीं करेगा, ये नहीं कि एक गोला गलत भर गया तो लाओ वहाँ पे वाइटनर लगा दें दूसरी जगह में भर दें, वाइटनर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद में याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसी सामग्री पाई जाती है मतलब जो आपकी चीटिंग से संबंधित है, तो आपको क्या दंड मिलेगा इसका, है ना, हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, और नकल संबंधी चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है, ठीक। और उसके बाद में बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, अगर आप अपना एडमिट कार्ड लेकर के नहीं गए तो आपको वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, ये थी उससे संबंधित कुछ निर्णय, बाकी वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, है ना, और अपना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अगर आपको कक्षाएँ चाहिए तो चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। CSGMU के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद।